नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर विवाद सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। केदारनाथ धाम को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस कल से अपनी केदारनाथ धाम बचाव यात्रा शुरू करने जा रहा है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम तक जनता को जागरूक करेगी और साथ ही साथ सरकार से सवाल भी पूछेगी कि आखिर धामों को विस्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ राज्य में स्थापित चारों धाम है, जिसे राज्य को विश्व भर में देवभूमि नाम से भी जाना जाता है। राज्य में स्थापित चारों धामों की मान्यता भी दुनिया में सनातन धर्म वालों के लिए बड़ी है, लेकिन अब केदारनाथ धाम को लेकर बड़ा विवाद उत्तराखंड में शुरू हो गया है, जिसका जन्म दिल्ली के बुराड़ी में हुआ, जहां केदारनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया और इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड में इस मंदिर का विरोध होने लगा और लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उत्तराखंड से धर्म की राजनीति करने वाले बीजेपी अब धामों को भी विस्थापित करने में लगी है। कांग्रेस की तरफ से अब इस विषय पर हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया गया है, जिसे 24 जुलाई से हरिद्वार की हर की पैड़ी से पूजा अर्चना कर शुरू कर ये यात्रा निकाली जाएगी। पैदल यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता को जागरूक करेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। केदारनाथ धाम की इस पैदल यात्रा पर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होना है। कांग्रेस की ये पैदल यात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में होगी, जिससे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सम्मिलित होंगे। इस यात्रा के दौरान रोजाना 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। कि जो हम केदारनाथ जी के यहाँ यात्रा कर रहे हैं, वो केवल और केवल आस्था को बचाने के लिए, यहाँ की संतति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की देव जो संस्कृति है उसका पलायन ना हो, इसके लिए हम जा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो, लोग गलती से QR कोड का इस्तेमाल करके दिल्ली पैसा ना डाले, लोग गलत फहमी में ना रहे। जो पुण्य केदारनाथ आके मिला, केदारनाथ आगे ही मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा है, इस यात्रा का एक असर देखने को मिला है, आप लोग ने प्रमुखता दी, जिसका असर ये रहा कि बीजेपी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री ने दिया, मुझे लगता है कि मेरा गोट सही है और रिएक्शन हुआ है, और मुख्यमंत्री जी इतनी घबराहट में कि एक दो दिन में वो संभवतः उनका प्रोग्राम बन गया है केदारनाथ जाने का, तो अच्छा है। इसी बहाने से सही, कांग्रेस की यात्रा के डर से ही सही, मुख्यमंत्री ने रुख किया है चारधाम यात्रा में केदारनाथ जाने का, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक तरफ जहां अपने इस यात्रा के जरिए कांग्रेस बीजेपी की मोर्चा बंदी करने की कोशिश में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की जा रही है। चुनाव को लेकर के इसको अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है, और जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है, लेकिन कांग्रेस केदारनाथ चुनाव को देखते हुए इस तरह के क्यों सरकार की छवि और प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव के बाद सियासी जमीन कुछ विपक्ष के पाले में जाती दिखाई दे रही है, जिसके बाद सत्ताधारी बीजेपी के खेमे में चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 5 सीटों पर जीती हो, लेकिन बीजेपी का मत प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम रहा, इसलिए कांग्रेस की इस पैदल यात्रा पर बीजेपी के साथ दिल्ली की भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी है, ऐसे में बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी पहले ही हार चुकी है और अब केदारनाथ में महारण होना है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। केदारनाथ को लेकर मैदाने जंग,
कांग्रेस ने मोर्चाबंदी की शुरुआत। तो आज केदारनाथ के साथ ही साथ चारों धामों को लेकर जिस तरह की राजनीति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, कांग्रेस जहां इसको लेकर पैदल यात्रा की शुरुआत करने का मन बना चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होगा, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, स्वागत करेंगे हम उनका। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ शीशपाल जी भी जुड़ेंगे। सत्यवीर जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से केदारनाथ को लेकर राजनीति की शुरुआत हुई और दिल्ली को लेकर अब काफी फसीहत भी झेलनी पड़ी, हालांकि अब नामों को लेकर वापसी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जिस तरह से पैदल यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो आपका? प्रियंका जी, केदारनाथ के प्रति तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि केदारनाथ में जिस प्रकार से 2013 में आपदा आई थी, वो सबसे बड़ी आपदा थी, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दुखद विषय था, और जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनके लिए तो खासकर दुखद का दुख का विषय था। उन्होंने वहां पर लाशों के अंबार देखे, उसके बाद वहां देखिए जितना भी निर्माण कार्य था या वहां पर लोगों की जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें थी वो सारी ध्वस्त हो गई। महत्वपूर्ण ये था कि वहां पर कैसे दोबारा से उस गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जाए। कांग्रेस के समय पे वो आपदा आती है 2013 में, किसी भी प्रकार का निर्माण वहां पर नहीं होता, किसी भी प्रकार की ऐसी गति नहीं, कार्रवाई कार्य नहीं किए जाते कि वहां पर केदारनाथ के प्रति जो लोगों की एक आशंका थी कि ये यात्रा दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, उसके लिए तो उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार। ठीक है, उत्तराखंड के केदारनाथ में कंप्लीट कर लेता हूँ मैं आपके शब्दों पर ही आ रहा हूँ। उसके बाद चाहे हमारी केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से केदारपुरी का नवनिर्माण हो रहा है, आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि वहां से विलुप्त हो गई थी उस वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को भी स्थापित करने का काम किया। आपने कहा कांग्रेस पैदल यात्रा निकाल रही है, तो मैं प्रियंका जी आपको बताना चाहता हूं, ये विधर्मी कांग्रेस जरा अपने नेताओं के उन बयानों को और उनके उन गतिविधियों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के अपना अगला कदम बढ़ाए। जिस हर की पौड़ी से ये शुरू कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस प्रदेश के अजीत रावत, उन्होंने कहा था कि जो गंगा मैया है वो नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, आज उसी गंगा के प्रति वो नतमस्तक हो रहे हैं, या तब गलत थे या तब सही थे, या अब गलत है या तब अब सही है, दोनों में ये तय कर ले। और एक सेकंड और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये श्रावण का महीना चल रहा है प्रियंका जी, हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष है करण मेहरा जी ने, पिछले वर्ष की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले सावन की ही बात है, हमारी कैबिनेट में मंत्री है रेखा आर्या, रेखा आर्या जी जब ये कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होती है तो उनको कहा था कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, उनके साथ विशेष परिस्थिति होती है महीने के अंदर। आप सोचिए कि इनकी विचारधारा और इनकी मानसिकता किस पड़ाव पर जा चुकी है, और आज कह रहे कि हम वहां से यात्रा निकालेंगे, जिन्होंने कभी ठीक है सत्यवीर जी आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, माना आपने केदारपुरी का निर्माण कार्य करा दिया, यात्रा दोबारा से सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन केदारनाथ अगर उत्तराखंड में आप विकास करा रहे हैं तो दिल्ली की बुराड़ी में क्या जरूरत थी, और आखिरकार आपको फैसला वापस लेना पड़ा? हाँ प्रियंका जी, मैं आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ बताना चाहता हूँ, केदारनाथ एक हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उस प्रकार का निर्माण कहीं भी संभव नहीं है। उस प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता है वैसे, आपको देखो हमारी शक्ति की नहीं, तो दिल्ली में रेप्लिका करने की कोशिश क्यों की गई फिर? नहीं, वो किसी प्रकार का नहीं, वो कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया विद्वेष की भावना से किया गया कार्य है। हरीश रावत के समय एकदम महाराष्ट्र में मुंबई में जब बनाया जाता है, बद्रीनाथ धाम बनाया जाता है, उस समय क्या उनको ये ध्यान भी नहीं आया कि बद्रीनाथ जी इस तरह का नहीं बनाया जा सकता? जवाब दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, कल 24 तारीख से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शरण महाराज जी केदारनाथ के जो सम्मान की रक्षा के लिए बताने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और वो हरिद्वार में गंगा जी में स्नान से शुरू होगी और 3 तारीख को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि लगातार केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के जो प्रयास हो रहे हैं, पहले वहां पर 228 किलो सोने की चोरी होती है, इस मामले को तीर्थ पुरोहित और कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाती है, लेकिन कोई भी जांच नहीं होती, सनातन प्रेमी आहत होते रहते लेकिन उनकी भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता।
फिर शंकराचार्य जी का लगातार अपमान हो रहा है, अगर वो जो तीर्थ पुरोहितों की आवाज उठा रहे हैं या धर्म प्रेमियों की आवाज उठा रहे हैं, और जिस तरीके से केदारनाथ धाम का प्रतीक दिल्ली में बनाने का प्रयास हुआ, और सरकार कह रही है कि हमने वो निर्णय वापस ले लिया है, लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने मीडिया को दिखाया कि जो QR कोड जारी किया गया है उस पर हमने मीडिया के सामने पैसे डाले, और वो दिल्ली में जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट बन रहा है दिल्ली, उसमें जा रहा है वो पैसा। सत्यवीर जी जवाब दीजिएगा इस पर, केदारनाथ धाम के नाम पर इस प्रकार का खेल कर रहे हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रियंका जी, ये देखिए किस प्रकार से जनता के बीच में भ्रम फैलाया जाता है, उसमें कांग्रेस का कोई स्थान ही नहीं है, जिस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं। और सबसे पहले तो बता दूं, ये सरकार के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पर उपस्थिति होती है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में सभी तरह की आता है, तो मुख्यमंत्री जी उसके बाद फैसला लेते कि इस प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं होगा। मगर मैं आपके माध्यम से प्रियंका जी यही पूछना चाहता हूं, जब हरीश रावत इस प्रदेश के मुखिया थे, तो उन्होंने जब बद्रीनाथ धाम बनाने का काम महाराष्ट्र के अंदर किया, अब इनको उस समय समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकार का निर्माण कहीं दूसरे प्रदेश में या भारत में कहीं नहीं हो सकता। सत्यवीर जी, तब आपको आपत्ति उठानी चाहिए थी ना। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं, केदारनाथ के प्रति कह रहे थे कि श्रद्धा कम हो रही है, तो मान्यवर जी इनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को, इस वर्ष भी 10 लाख से अधिक यात्रा में केवल केदारनाथ में कर चुके हैं। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है, जब यात्रा संपन्न होगी तो पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड बना हुआ था उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेंगे। ये क्यों हो रहा है प्रियंका जी? वो केवल इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं वहां बढ़ाई गई है, आज वहां देख लीजिए, जिस केदारनाथ में केवल लाशों का अंबार था, जहां पर दूर दूर तक आदमी देखने को नहीं मिलता था, उस अब वहां पर देख लीजिए किस प्रकार के निर्माण हुए वहां। सवाल तो यही है कि जिन धामों को आप उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी बता रहे हैं, उनका रेप्लिका अगर कहीं बनता है, तो उससे पहले सबसे पहले तो आपत्ति आपको ही की जानी चाहिए ना। मंदिर बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाम तो कुछ और रखा जा सकता है ना। प्रियंका जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के पटल पर आके कह दिया है, अगर कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं, ये कांग्रेस वही है जब हमारे जो संगेरी पीठ के जो शंकराचार्य थे, दीपावली की आधी रात 11 नवंबर 2004 को, मतलब कि फैसला में कोई गलती थी आपके पास, नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपावली की रात में जब पूरा देश प्रकाश में होता है, एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, तब उस समय के जो शंकराचार्य थे श्री जतेंद्र सरस्वती, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपसे कोई फैसला गलत नहीं हो सकता। फैसला गलत हुआ, आपने वापस लिया है, तो अब उसको मान तो लीजिए कम से कम कि हाँ ठीक है, अब फैसले को वापस लिया गया है। नरेंद्र सिट्टी जी, प्रियंका जी, हमारा कोई फैसला नहीं था, सरकार ने सरकार का कोई, आपने समर्थन किया कि नहीं किया, आपने आपत्ति तो नहीं की ना, कांग्रेस ने आपत्ति की है। कांग्रेस कौन सी आपत्ति, जो इनके उनके इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते, तो आप सोच सकते हो कि इनकी विचारधारा क्या है। अब ठीक है, कहते कि भगवान आतंकवाद है, अब पूरे देश में राम मंदिर नहीं गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि उत्तराखंड के चारों धामों के बारे में कांग्रेस बात नहीं कर सकती। नहीं ठीक है, सत्यवीर जी एक मिनट दीजिएगा, मैं नरेंद्र सेठी जी को भी शामिल कर लूं, उसके बाद आती हूं आपके पास। वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। हाँ ठीक है, आती हूँ मैं नरेंद्र सेठी जी। प्रियंका जी, जिस तरीके की हम लोग पहले डिबेट और जिस तरीके की पत्रकारिता और विश्लेषण और राजनीति होती थी, बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। किसी जमाने में ऐसा होता था कि कोई सरकारी दफ्तर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो उसका विरोध होता था कि यहाँ बना रहे ताकि यहाँ का विकास हो, यहाँ शिक्षण संस्थाएं आए, यहाँ IIT खुले। आज हम धर्म की राजनीति के बीच में उलझन है। कांग्रेस को जिसको इससे अलग रख के स्वयं को विकास के पथ पर आगे चलना चाहिए था, कांग्रेस को भी वैसे ही गुत्थम उनके साथ करनी पड़ रही है, क्योंकि अब जैसा जैसा देश वैसा भेष, तो अब उस स्थिति में कांग्रेस भी मजबूर है, कांग्रेस क्या करे। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, बहुत सम्मानित दोनों प्रवक्ता हैं, लेकिन हमें केदारनाथ को या चारधामों को हमें पर्यटन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये चारधाम आस्था के केंद्र हैं, और चारधाम यात्रा आज नहीं, पौराणिक काल से चली आ रही है। लोग पैदल 500-500 किलोमीटर यात्रा करते थे, और उनको कष्ट कितने सहन करने पड़ते थे। हमें उनको सहूलतें देने से मतलब नहीं है, हमें पहाड़ को जो अनियंत्रित विकास है इस पर एक रोक लगाने के साथ साथ हमें इसकी आस्था, इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, ना कि हमें इसे इस तरीके से महिमा मंडित करें कि हम इसको पर्यटन के स्वरूप देने की कोशिश करें। जिसमें पर्यावरणविद हैं, चाहे वो जैसे चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं या जगत जंगली जी हैं और देव राघवेंद्र हैं, ओम प्रकाश भट्ट हैं और बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, उन सब ने इस बात से चिंता जाहिर की है कि जैसे
वहाँ पे बहुत ज्यादा मानव दबाव है, तो इससे वहाँ की प्राकृतिक, वहाँ की इकोलॉजी को बहुत फर्क पड़ रहा है, वहाँ की पेड़ पत्तियों को, वहाँ की वनस्पति को। और ये हिमालय कोई दोबारा मिलने वाली चीज नहीं है, हिमालय हमारे पास एक अमूल्य धरोहर है जिसको संजो कर रखना है, जिसको हमेशा के लिए हमारे पास एक हमारा आभूषण है पूरे प्रदेश का, नहीं पूरे देश का। तो इसको हमें इस राजनीति में, इस डिबेट में ना उलझाकर कि हमें वहां पे यात्रा करनी है, हमें क्या करना है, आपका कहना है कि मूलभूत रूप में बने देना चाहिए, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से मंदिर बन रहा था उसके बाद नाम वापस लिया गया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? वो उसमें देखिए, मैं ये मानता हूँ राज्य सरकार की, मैं नहीं जानता इसमें गलती है या नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अगर इसमें कहीं इन्वॉल्व होती तो राज्य सरकार बैकफुट पे ना आती, राज्य सरकार एकदम तुरंत आके कि इस तरीके का कोई रेप्लिका या कोई इस तरीके का दोबारा पूरे देश में या विदेश में कोई केदारनाथ की प्रतिकृति नहीं बनाएगा और उसका मंदिर नहीं स्थापित करेगा, इतना जो कठोर कदम लिया, तो मुझे लगता है शायद राज्य सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो राज्य सरकार बैकफुट से अगर उस बात से आई है और तुरंत आकर कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करने के साथ ही एक नया एक यहाँ पे कानून लाने की दिशा में काम हो रहा है, तो वो अपने आप में एक स्पष्ट कर देने वाली बात है कि राज्य सरकार का इसमें कोई नहीं है। मेरे को लगता है कि इसके ऊपर राजनीति किसी भी प्रकार से होनी नहीं चाहिए। हम केदारनाथ को पूरे देश में या विदेश में विवाद की चर्चा में क्यों लेके आए? केदारनाथ एक आस्था का केंद्र है, अटूट श्रद्धा है वहाँ पे 80 करोड़ हिंदुओं की। नहीं, लेकिन नरेंद्र सैनी जी, अब कांग्रेस के द्वारा पैदल यात्रा निकाली जाएगी, अब बीजेपी के द्वारा दिल्ली में मंदिर का उद्घाटन करने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं चर्चा में तो ये केदारनाथ भी आएगा और फिर बातचीत भी होगी। अगर बीजेपी एक ही तरीके से ऑफ साइड में बॉल डालेगी तो कांग्रेस को यही खेलना पड़ेगा ना, कांग्रेस लेफ्ट साइड में थोड़ी खेलेगी, कांग्रेस के लिए मजबूरी है जिस साइड की पॉलिटिक्स चल रही है उसका जवाब देना। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, 10 तारीख को दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने अपने केंद्रीय मंत्री अजय टंका जी और दो विधायकों के साथ केदारनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया और उनसे पूरी स्पीच सुनिए, वो बार बार कह रहे हैं केदारनाथ धाम मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, और उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाया, फिर पुरोहितों ने विरोध किया, शंकराचार्य जी का बयान आ गया, तब 19 तारीख को कैबिनेट बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाता। तो आप बताइए, आप 10 तारीख को सही थे या 19 तारीख को सही थे? गलती हुई है और गलती के बाद ही सरकार ने माना कि अच्छा गलती हुई है, गलती को अब सुधार लिया गया, तो अब पैदल यात्रा क्यों? नहीं नहीं, पैदल यात्रा इसलिए है कि शंकराचार्य जी का अपमान किया है इनके नेताओं ने, या फिर इसलिए कि आगे आने वाले समय में उपचुनाव है। केदारनाथ से शिला ले जाकर के दिल्ली में आपने स्थापित कर दी और अभी भी QR कोड से पैसा दिल्ली धाम ट्रस्ट में जा रहा है, केदारनाथ धाम ट्रस्ट में। तो कहा मतलब फैसला ले लिया है लेकिन उसपे आपने कार्रवाई नहीं की, ठीक है, लेकिन शीश पाल जी, आपका काम सत्ता पक्ष को आंखें खोलना है, सत्ता पक्ष की आंखें खुल गई, फैसले पे वापसी हो गई, इसके बाद पैदल यात्रा का क्या मतलब है? प्रियंका जी, शंकराचार्य जी से माफी मांगी मुख्यमंत्री जी ने या इनके अच्छा दर्जाधारी ने जो, ठीक है, सत्यवीर जी जवाब देंगे, इसका मतलब है आपके कार्यकाल में कभी किसी शंकराचार्य को कुछ कहा नहीं गया? दिल्ली के मैदान में जिस तरह से जो कुछ हुआ वो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। सत्यवीर जी जी देखिए, दिल्ली में क्या हुआ वो देश की जनता जानती है, और 2014 से कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं है और इस समय बीप कंपनियों से चंदा कौन ले रहा है? ये तो धर्म के रक्षक है, राम राज्य चल रहा है, और गाय का जो व्यापार कर रहे हैं, गाय का मांस जो बेच रहे हैं, उन कंपनियों से आप चंदा लेंगे, आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, खुद भी समझ पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कुछ गलत हुआ आपको दे दिया भाई, और कांग्रेस पार्टी ने ना कभी ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रही थी कि आप सवाल उठा रहे हैं तो आप पिछला इतिहास भी देखते चले साथ साथ जी। हम पूरा क्या याद रखते हैं, भाजपा नहीं रखती याद की वो क्या करती है। इतिहास की बात देखो प्रियंका जी, इतिहास की बातें मत क्या करिए इनके सामने। फिर मैं बता दूंगा कि जो 11 नवंबर 2004 को दीपावली की आधी रात में श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री
और एम्स 6 होते थे कांग्रेस के कार्यकाल में, हमारे समय पे 23 एम्स टोटल हो चुके हैं। हमने विरासत और आधुनिकता को कैसे आगे एक साथ बढ़ाया जाए उसके लिए काम किया। और कांग्रेस जो अजमल कसाब में भी जो बेचारा ढूंढ रही थी वो आज सनातन की बात कर रही है। वापस को वापस को बता रहे हैं। अरे ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अरे ठीक है, शीश बाजी रिलैक्स, एक मिनट दीजिएगा शीश बाजी। अरे एक मिनट दीजिएगा, मुद्दे पर आने दीजिए, पटरी पर आने दीजिए मुझे, पटरी पर आने दीजिए मुझे। ठीक है, मैं केदारनाथ की बात कर रही थी। मैं उपचुनाव में बद्रीनाथ देख चुके हैं, मैंगलोर हम देख चुके हैं। सत्यवीर जी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से पैदल यात्रा निकाल रही है, आपके लिए एक बार फिर से खतरा है? ये प्रियंका जी केवल और केवल सत्ता से बाहर रहने का संताप छलक रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं छलक रहा है। अरे सत्यवीर जी, दो बार इलेक्शन जीते हैं आप, 5 जीते हैं तो वो भी 2 जीते हैं जी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रियंका जी, आपके दर्शकों को, ना बद्रीनाथ हमारे पास थी ना मंगलौर हमारे पास थी, और मंगलौर में हमारी जमानत जब्त हुआ करती थी मात्र 422 वोटों से हमारे। अगर कांग्रेस चुनाव में आप हारे कि नहीं हारे, वोट प्रतिशत गिरा है कि नहीं गिरा, एक सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ। मंगलौर में हम 422 वोटों से मात्र हारे हैं, और बद्रीनाथ में हमारे पास पहले भी जीती थी ना थी। मगर मैं एक बात के साथ कोट करना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस इन 2 चुनावों से खुश रहना चाहती है तो मेरी इनके लिए बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में आपका वोट प्रतिशत गिरा कि नहीं गिरा? लोकसभा में तो उत्तराखंड में तो मान्य, इसके बाद आप 2 बार इलेक्शन हारे तो उसके बाद केदारनाथ को लेकर चिंता तो है, बनती है ना? लोकसभा में तो आप लोग प्रियंका जी, लोकसभा में तो हम 3री बार फिर से आए। उत्तराखंड का इतिहास आता कि हर बार सीट बदलता था, मगर लगातार 3 बार सत्यवीर जी, जब बच्चा टॉपर हो ना तो फिर परसेंटेज पे बात की जाती है। सत्यवीर जी, जब बच्चा टॉपर हो तो परसेंटेज पे बात की जाती है, मतलब आप जीत गए वो ठीक है, लेकिन परसेंटेज गिरा तो क्या उस पर बात नहीं की जाएगी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पूरे देश की बात करेंगे प्रियंका जी, एक जगह भी ऐसा बता दीजिए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से हुआ हो, कांग्रेस हमसे आगे वहाँ पर रही हो, कोई एक पूरे भारत में देश में पूरे राज्य बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए सत्यवीर जी, इंडिया गठबंधन में साथ साथ थे, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, और फिर बाकी तो जाने दीजिए, बाकी तो जाने दीजिए। पिछली बार की अपेक्षा 99 सीटों पर आए तो प्रियंका जी मैंने क्या कहा, जहाँ पर हमारी सीधी टक्कर हुई है कांग्रेस से, एक राज्य बता दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस हमसे आगे निकली हो। और आपने जवाब आप दीजिएगा, 23 वो देख रही है, और जिस तरीके से घमंड में फैसले लिए जा रहे हैं, और जनता सामाजिक जनता तो सब कुछ देख रही है। हमारे आंध्र प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार, अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार है, बेरोजगारों की चिंता नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था रात दिन जो है रसातल में जा रही है, लेकिन इनका अहंकार कहाँ पर मुकाबला? जनार्दन आपको माफ नहीं करने वाली, और कांग्रेस पार्टी के प्यार प्रेम और सामाजिक सौहार्द के संदेश को इतना सामाजिक उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जुमे की नमाज के लिए पत्रकार करने लगे, इतना सौहार्द है वो जनता का संदेश ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये पकड़ना नहीं चाहते हैं। अहंकार की राजनीति, नफरत की राजनीति,
अब इस देश में नफरत की राजनीति तो राहुल गांधी गले लगा। फाइनल कमेंट दीजिएगा, ठीक है, समय बहुत ज्यादा नहीं बचा। शीशपाल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, पुलिस देखती रहती है, उनके अत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए। ठीक है शीशपाल जी फाइनल कमेंट, जो अत्यारे तुमको प्रियंका जी केदारनाथ धाम की महिमा के साथ जो छिलवाड़ भाजपा की सरकार ने किया है, वहाँ पर जो केदारनाथ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का प्रयास हुआ है, जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जब तक 228 किलो सोने की चोरी में जांच नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं करती है, जब तक चुनाव पास है, मुद्दे आपको मिल गए हैं, मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंची है, लड़ाई जारी रखेगी। फाइनल कमेंट सरकार को, ठीक है शीशपाल जी, शीशपाल जी ठीक है। पिछले एक दशक में हमने जो डेमोग्राफिक चेंज देखा है उत्तराखंड में, उसके साथ साथ में हमने यहाँ के वातावरण में एक और चेंज देखा, जो धर्म की राजनीति बीच में हावी हो रही है। मेरी एक बहुत नेक सलाह है और मेरा अपना मत है कि राजनीति और धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। धर्म आस्था की चीज है, राजनीति विकास से जुड़ा चीज है। हम ये मानते हैं कि धर्म आधारित देश है, धर्म आधारित प्रदेश भी है, लेकिन फिर भी हमें दोनों को मिक्स करके भ्रमित नहीं करना चाहिए। नहीं ठीक है नरेंद्र सेठी जी, ये तो आइडियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सियासत की गलियों में सब कुछ नाप तौल के ही होता है। सत्यवीर जी बहुत छोटा सा कॉमेंट, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। मैं प्रियंका जी कहना चाहूंगा कि केदारनाथ के प्रति हमारे पार्टी की पूरी श्रद्धा है, और आज से नहीं है, हमारी जो अनादि काल से जो परंपरा है, उस परंपरा के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि इस बार भी अभी तक की यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आए, इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जनता उस पर मोहर लगाएगी। सत्यवीर जी, शीशपाल जी, नरेंद्र सेठी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से केदारनाथ धाम को लेकर एक बार फिर से राजनीति हावी है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसे मुद्दा बनाने की बात कह रही है। देखना ये होगा कि जनता उपचुनाव में आखिरकार किसकी रणनीति और किसकी राजनीति पर अपनी मोहर लगाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।